गाइस वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग इसे स्टार्ट करते हैं। और बस यार आज अभी स्कूल से आ चुके हैं और बस अभी ना सोते हैं, खाना पीना करते हैं, उसके बाद बस चलेंगे एक जगह है। मतलब कि यार आज हमारा प्रोग्राम है, कहीं जाने का माहौल नहीं घर में, तो क्योंकि यार आज एक चीज़ हुई है तो उठने के बाद बता दो। अभी खाना खाते हैं, फटाफट से सोते हैं हल्का और उसके बाद उठकर बताऊंगा। यार उठ चुके हैं, आज तो एनर्जी शेनर्जी फुल हो गई है मेरे में। क्या बात है यार, बात ही कुछ ऐसी है कि यार आज से हमारी स्कूल की छुट्टियाँ। सच बोलो यार, हमारे स्कूल की छुट्टियाँ हैं, तकरीबन 10-9 दिन की छुट्टियाँ हैं, क्योंकि आज जुम्मा है, फिर हफ्ते इतवार है, पीर को कश्मीर डे है, फिर क्या है बुध, और हाँ फिर मंगल बुध, उसको बता उसको ऐसे ही देते हैं छुट्टियाँ। फिर है पाकिस्तान के इलेक्शंस जो के हैं 8 को, फिर 9 तारीख को शबे मेराज या शबे बरात के दिन, क्या नाम है सॉरी मैं भूल गया हूँ, है वो है। तो उसके बाद हफ्ते इतवार को ये मतलब हफ्ते इतवार को ऐसी छुट्टियाँ, तो 9 दिन की लगातार छुट्टियाँ आ रही हैं। मज़ा ही आ जाएगा, ऐसा लग रहा है एक और क्या कहते हैं विंटर वेकेशन आ गए। तो चलो यार आज भी हम लोग छत पर जा रहे हैं, 5 बज गए तो चलो छत पर चलते हैं और चलते हैं, लाइट शाइट बंद कर देते, आईपैड भी लेके चलते, कवर शवर लगा कर, और बॉल भी लेते ऊपर हल्का हल्का खेलते। तो फैसल और मैंने यहाँ छत से खेले, देख सकते हो वो रहा फैसल, और यहाँ मैं छत से खेल रहा हूँ क्रिकेट हम लोग, और मतलब कि मेरे यहाँ बैट से मैं मार रहा हूँ। रुको रुको बिलाओ अभी नहीं देखना, तो ये बॉल कहाँ है, वो रहा सामने बॉल इसको मिली है, तो देख सकते हो हम लोग यहाँ से क्रिकेट खेल रहे हैं, मजे से वो बॉल डाल रहे हैं, मैं यहाँ से बैटिंग कर रहा हूँ। नीचे हम लोग ना यूँ खेलने के, मैं यहाँ से यूँ मारता हूँ, यूँ डालता हूँ वहाँ से आगे से, आगे जाओ आगे आगे जाओ, राइट पर हो राइट पर, इसको बताते हैं। तो चलो यार हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं मजे से। तो यार नीचे आ गया और मम्मा को, यार मम्मा सफाइयाँ कर रही हैं, मम्मा माशाल्लाह से सफाइयों को ज़्यादा ही क्रेज़ है यार, सफाई कर रही हैं। तो बस चलो सफाई कर, और बस चलो यार ये लोग हम लोग आ गए सारे। अरे यार एक बात थी, मैं तुम लोगों को रात के ब्लॉग में अगर हो गई तो बता दूंगा या कल बताऊंगा, तो देखते हैं अभी इन लोगों से एक बात करूँगा। यार अभी हम आ चुके हैं अंदर और देखते हैं पराठे और ये चाय मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आज मम्मा थक गई है, तो बस चलो आज मैं बना देती हूँ। और मैंने कहा था ना कि ये लोग मतलब कि कुछ है वो होगा, जो मतलब कि कोई एक बात कर ली उनसे, तो मैं बता देती हूँ तुम लोग को, उनसे भी क्लियर हो गई है तो तुम लोग को बता। तो यार हो चुके हैं हम लोग खाने वाने से फारे, क्योंकि सीन ये है कि यार अभी ना जो कि मैंने बोला था कि हम लोग बाहर के, मैंने के दोस्तों से बात करनी थी, बात ये थी कि यार हम लोग कर रहे हैं टूर्नामेंट, 3 टीम्स का टूर्नामेंट होगा, जिस टीम में ज़्यादा जीते वो हो जाएगा, मतलब कि 2 टीम्स होंगी, ज़्यादा तो नहीं है, एक टीम का कैप्टन मैं हूँ, एक टीम का हाशिर है, और फैसल और हाशिर और क्या कहते हैं फैजान और रमजान एक टीम में, ये 4 लोग हैं, मैं सुभान और अली हम 3 लोग एक टीम में। तो यार इस तरह की टीम्स बनाई हैं और हम 3 हैं वो 4 हैं, क्योंकि उनमें 2 मतलब के छोटे वाले प्लेयर जा रहे हैं फैजान और रमजान। तो ऐसे ही है 3 टीम का टूर्नामेंट होगा। अभी हम लोग आज है जुम्मा, तो हफ्ते इतवार छुट्टी है, फिर जैसे कि मैंने बताया अभी छुट्टियाँ 5 दिन और, फिर उसके बाद हफ्ते इतवार अगेन है, तो 9 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो 9 दिन की छुट्टियाँ, तो इसमें यह है कि हम लोग मतलब कि हफ्ते इतवार के बाद शुरू करेंगे पीर से, फिर मंगल को छोड़ देंगे, फिर हम करेंगे बुध को, फिर बुध को करेंगे तो क्या कहते हैं जुमेरात को छोड़ कर जुम्मे को करेंगे। तो यार और ये है, तो मतलब कि इस तरह से ना 3 दिन हो गए, एक दिन छोड़ कर करेंगे टूर्नामेंट, और बाकी हम लोग क्या पीर को ना कश्मीर डे है, तो कश्मीर डे पे हम लोग ऐसी पार्टी कर रहे हैं सब, तो ऐसी मजे से ना, तो चलो पार्टी शार्टी हो जाएगी और उसके बाद हमारा टूर्नामेंट भी हो जाएगा। पूरी वाली छुट्टी हमने इन्जॉय करनी है, एक तरह से विंटर वेकेशन दोबारा मिल रहा है 10 डेज़ का, तो चलो यार। और दूसरी बात ये है कि यार मुझे टास्क मिला है कि ना मम्मा ने मुझे कहा है टास्क कि यार ये जो 9 डेज है ना, इसके अंदर तुम्हें इन्फॉर्मेशन करनी है, क्या कहते हैं वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, और वो ही मैं ब्लॉग में एंड में तुम लोगों को बताऊँगा। तो मतलब यही है, और अभी मैं उसको मतलब कि जो मतलब कि मुझे है ना नॉलेज, वो मैं तुम लोगों को नॉलेज दूंगा, तो इसलिए ये भी हमारा एक सेगमेंट होगा, नॉलेज का भी सेगमेंट होगा एंड में। तो मतलब कि हम लोग तकरीबन 2 या 3 मिनट्स 2 मिनट्स का आई थिंक रखेंगे, जिसके अंदर मज़ा भी आएगा और तुम लोग को नॉलेज भी मिलती रहेगी, मज़ा आ जाएगी दोनों को, हमें भी यार मुझे तो बहुत मज़ा आता है उसके मतलब कि एक तरह से नॉलेज की चीज़ों में, और तुम लोग को आते नहीं आता कमेंट्स, यार कमेंट्स बनते पर टिकटॉक पे कर देना नो प्रॉब्लम, और चलो यार इंस्टा पर भी कर सकते हो वो मसला नहीं है, तो यही है। तो और
अपना ये करेंगे। और अभी खाना लग चुका है, अभी मैं थोड़ा सा देख रहा था फैक्ट्स वगैरह, और आज बताऊंगा किस कंट्री के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड के बारे में मम्मा ने बोला है ना, तो ऐसी चीज़ें वर्ल्ड के बारे में भी और रीजन्स के बारे में भी मैं करूँगा, तो ऐसी ही है। तो बस यार इस नॉलेज को लेने के लिए साथ रहना, अभी 9 डेज तो लगातार मैं दूंगा और इंशाल्लाह आगे भी देता रहूँगा किसी किसी व्लॉग में, तो इसलिए सारे व्लॉग देखोगे तो तुम लोगों को मिल ही जाएगी ना कोई व्लॉग में, क्योंकि सारे दिन देना मुश्किल होता है क्योंकि टाइम काम वाम होता है, होमवर्क शोमवर्क होता है स्कूल का, तो यही सीन है, तो इसलिए सही। तो ये है हमारा, तो इसीलिए तो अभी हम खाना वाना खा लेते हैं, खाना लग चुका है, तो बस चलो। और यार यही है, तो नॉलेज अभी मुझे मतलब कि जो मेरे पास है ना वो मैं क्या कह रहा हूँ डायरी पर डाल दूँगा ताकि मैं तुम लोगों को सही से बता सकूँ यार, तो बस मज़ा आ जाएगा। तो ओके तो चलो खाना खाते खा लिया। तो यार आ चुके हैं हम लोग अपने मतलब कि क्या कहते हैं यार, हम लोग अपने जो मैंने बोला था यार तुम लोगों को नॉलेज शॉलेज देनी है नहीं देनी, तो बस यार यही जितनी मेरे पास नॉलेज है ना उससे मैं करूँगा कि तुम लोगों को भी मिलनी चाहिए यार। देखो नॉलेज बांटने से नॉलेज इतनी है ना दुनिया में कि कभी ख़त्म नहीं होती नॉलेज। तो यार इसी तरह से मैं आज देने वाला हूँ एक कंट्री के बारे में, कंट्री ये है कि वो है हमारा प्यारा पाकिस्तान। क्योंकि यार आज मैंने सोचा यार जहाँ से मैं कर रहा हूँ तो वहीं का ही काम करते हैं ना, कि वहीं की बनाते पहले, तो उसके आगे आगे बढ़ते रहेंगे और कंट्रीज के बारे में करते रहेंगे रिसर्च, और तुम लोगों को मतलब कि जो हमारे जहन में ना वो मैंने यहाँ इसमें उतार लिया रजिस्टर पर, ये रखा हुआ अभी नहीं है, और वही मैं तुम लोगों को बताऊँगा जो कि मैंने सीखा वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो यार सबसे पहले तुम लोगों से एक बात पूछता हूँ कि क्या तुम लोगों को पता है कायदे अब्दुल ने फर्स्ट फीस कब ली थी, पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक पता है, या फिर आर्मी पाकिस्तानी कौन से नंबर पर आती है नहीं पता ना, तो आज यही बातें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला यार सुनो, सबसे पहले कि कायदे आजम ने क्या फीस ली थी यार जब उन्होंने पाकिस्तान आज़ाद करवाया, कायदे आजम ने सिर्फ 1 रुपया फीस ली थी, वजह कि पाकिस्तान के खजाने का वो वेस्ट नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने सिर्फ 1 रुपये ली थी। क्या यार क्या बात है। तो और दूसरा पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक कौन सा पता है नहीं ना, तो पता भी होगा पता नहीं तो बता ही देता हूँ, पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक है गन्ने का जूस, माय फेवरेट यार मज़े ही आ जाते हैं। और दूसरा कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा 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 रिकॉर्ड है कि जो मतलब कि ख्वाब में कोई तोड़ सकता है, मुश्किल ही है कि एक दिन में सबसे ज़्यादा दरख्त लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है, जो कि वो दरख्त है 7.5 लाख दरख्त, इतनी बड़ी अमाउंट दरख्तों की वो लगाई थी, वो भी सिर्फ एक दिन में, तो ये भी बड़ा मुश्किल है तोड़ना। कि आर्मी कौन से नंबर पे, आर्मी है क्या कहते हैं पाकिस्तान की 6th नंबर पे आती है दुनिया में, पूरी दुनिया में, और इस्लामिक में 1st नंबर पे आती है इस्लामी मुल्कों में इस तरह से। तो मतलब कि आप ये चेक करो कि 200 मुल्क में से 6 नंबर पे आना भी एक बहुत बड़ी बात है, कोई एक वो नहीं है कि 1st पे या 3rd या 4th पे नहीं है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन 6 नंबर पे आना भी बहुत बड़ी बात है 200 मुल्कों में से। ये मुझे क्लियर नहीं पता कि 200 है या 195 है या 200 से ज़्यादा है, ये मुझे क्लियर नहीं है, बस 200 मतलब कि मैक्सिमम। आपको पता है ये बात कि पाकिस्तान का जो हुंजा एक तरह से एक शहर है हुंजा वैली, तो बस यार वहाँ के जो लोग होते हैं ना वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा एजेड होते हैं, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है यार कि वहाँ के मतलब कि ऐसे दुनिया में आज के दौर में, वैसे तो पिछले में बहुत होते हैं, आज के दौर में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट लोग वहीं पाए जाते हैं हुंजा वैली में, जो कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एज होती है 120 यार, यहाँ तो 60 से ज़्यादा कोई हमने देखा ही नहीं और वो 120 माशाल्लाह चलो कोई नहीं, ये पाकिस्तान के पास भी एक एजाज से कह लो। दूसरा यार पाकिस्तान में जो फुटबॉल लवर्स हैं, शायद उनको बताऊँ फुटबॉल लवर्स को कि यार पाकिस्तान की जो फुटबॉल्स होती है ना पाकिस्तान में 75% फुटबॉल पाकिस्तान में बनती है, यहाँ तक मतलब कि रोनाल्डो और मेसी ने भी पाकिस्तान की फुटबॉल से खेला होगा पता नहीं। और यार पाकिस्तान एक बहुत ऐसे कम मुल्क है जिनके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे लोग क्रिश्चियन ये सारे लोग मिलकर रहते हो, उनमें से एक मुल्क पाकिस्तान भी है, यहाँ के तकरीबन के बहुत कम मुल्क हैं जहाँ ऐसे मिल बांट कर रहते हो। और बात है कि पाकिस्तान दुनिया में यार आप सोचोगे जैसे मैं बोलूँगा खूबसूरत मुल्क के बारे में बात करूँगा तो तुम लोग क्या बोलोगे, स्विट्ज़रलैंड ऐसे मुल्क बोलोगे ना, या तुम लोग क्या बोल सकते हो ऐसे मुल्क बोलोगे, और तो मेरे दिमाग में आ नहीं रहे अभी यही बोलोगे। लेकिन एक बात बताऊँ कि तुम लोग इस पर अगर इसको पता है तो पता है, और अगर नहीं पता ना तो ये बात बहुत मतलब कि मुझे भी समझ में नहीं आई थी कि यार जब मैंने सुनी थी कि पाकिस्तान खूबसूरती में 2रे नंबर पर आता है, और जहाँ लोग खूबसूरती की वजह से आते हैं स्विट्ज़रलैंड,
वो खुद तीसरे नंबर पे, मतलब कि पाकिस्तान से नीचे है यार। तो आप माशाल्लाह ये चेक करो कि पाकिस्तान स्विट्जरलैंड से भी ऊपर है। बस वजह ये है कि लोग जो मीडिया पे शो करते हैं ना पाकिस्तान की पिक्चर, वो चीज़ें शो करते हैं जैसे ये जो मतलब कि कहीं कहीं ऐसा इलाका है जहाँ थोड़े से कचरा या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग वो ब्यूटी नहीं दिखा पाते पाकिस्तान की, जो कि यार तुम लोग को यहाँ दिख रही होगी, ये असल ब्यूटी है। आप उंजा वैली चले जाओ यार, आप मतलब कि गिलगित चले जाओ, इतना पाकिस्तान का माशाल्लाह इतना खूबसूरत है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिन अभी हम लोग भी कुछ ईयर्स पहले गए थे, तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल यार, मैं बात नहीं कर सकता, इतना मज़ा आया था। तो यार आप ये सीखो कि न्यूजीलैंड लोग खूबसूरती देखने जाते हैं, तो यार पाकिस्तान तो उससे खुद आगे, हम लोगों को तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, हम तो सीधा पाकिस्तान ही चले जाते हैं। और पाकिस्तान में तो है मतलब कि पाकिस्तान के शहर चले जाते हैं। तो बेस्ट फैक्ट्स है यार। एक और बात ये चेक करो, इसमें तो मुझे नहीं लग रहा था, ये जब मेरी भी मेरे दिमाग में पड़ी थी ये बात कि यार ये रिकॉर्ड पाकिस्तान बना सकता है, मतलब कि इस तरह के रिकॉर्ड तो यार मतलब कि वो वाले मुल्क बनाते हैं, जैसे दुबई हो गया, दुबई बना सकता है ऐसे रिकॉर्ड जो कि वो बनाते रहते हैं इस तरह के। पाकिस्तान में हैंडमेड मतलब कि जो इंसानों ने फॉरेस्ट बनाए, बिगेस्ट फॉरेस्ट बनाए पाकिस्तान ने, जो कि पंजाब में है, वाकया रखता है पंजाब में, और ये तकरीबन 1200 एकड़ पे बना है, 1200 एकड़ पे बना है जो कि पंजाब में है, सुबह पंजाब में। यार क्या हो गया आजकल मेरे गले को? अच्छा हाँ भैया, जो एक और बात हम लोग करते हैं कि यार ये कि अब ना मैं तुम लोग को ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, तकरीबन मुझे लगता है सबको ही पता होगी, तकरीबन बात यह है कि यार दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ जो कि मतलब के नेपाल में है, लेकिन सेकंड तो यार पाकिस्तान में जो कि के टू है भाई। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड है। और यार अब तो ऐसे माइंड ब्लोइंग रिकॉर्ड है जो कि लोग अगर सोचे भी ना तो मुश्किल है तोड़ना, कोई मिरेकल टाइप कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो ही तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के पास हैं। 2 रिकॉर्ड ऐसे कि भाई स्पेशल रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन यार मुझे मैंने क्या बोलूँ, चलो यार मैं बता ही देता हूँ तुम लोगों को। सबसे पहला रिकॉर्ड एम एम अलाम ये एक पाकिस्तान के एयरफोर्स में थे, मतलब कि एक फौजी थे एयरफोर्स के। यार बात अब ये आ गई कि इनका जो रिकॉर्ड है ना मुश्किल है तोड़ना। आप सोचो 1 मिनट कितनी देर होती है, 1 मिनट में आप क्या कर लोगे, 1 मिनट में आप कितनी देर आप भाग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकंड्स, बस सेकंड कितने का होता है, तो 1 मिनट में आप ये सोच सकते हो कि आप 1 मिनट में 10 जहाज़ों को गिरा दो, सोच सकते हो? नहीं ना, ये काम इन्होंने करा हुआ है यार। कि ये जब मतलब पाकिस्तान शुरू की बात है, जब पाकिस्तान बना था तो इन्होंने इंडिया के एम एम अलाम ने इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए थे, वो भी सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में, शायद 45 सेकंड्स में, 45 सेकंड्स में। क्या होता है यार, बस क्या बोलूँ, मतलब कि मुझे ही खुद यकीन नहीं आ रहा था, इतना आलीशान रिकॉर्ड है ना। तो मतलब क्या यार, ये बहुत एक अच्छा रिकॉर्ड है एक तरह से, कि मतलब कि ऐसा कोई तोड़ नहीं सकता। और एक तरह से आप इतने बहादुर थे ये कि इन्होंने इतने उससे मतलब कि 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए थे। अब आ जाते हैं हम एक और रिकॉर्ड पे, जो कि स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड है यार, मतलब कि माई फेवरेट्स, मतलब क्रिकेट है मेरा फेवरेट्स तो, लेकिन स्पोर्ट्स भी होता है। अब वो यार हाँ, अब बात आती है स्पोर्ट्स की, इनका भी एक ऐसा ही स्पेशल रिकॉर्ड है, 555 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड। सोचो ज़रा कि हमारी तो टीमें यार हारती रहती हैं, मतलब है, लेकिन यस 555 मतलब कि 555 मैचेस लगातार जीतने का, कोई गैप नहीं। बस यार मतलब कि ये थे जहांगीर खान जिनके पास ये रिकॉर्ड है। ये बैंटन मतलब कि एक तरह से रैकेट्स कह दो, रैकेट्स या बैंटन मुझे नहीं पता, पर इसी तरह का होता है जो रैकेट से खेला जाता है, बैंटन होती है। तो उसमें इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हुए कि कोई भी आज तक स्पोर्ट्स का खिलाड़ी या कोई भी स्पोर्ट्स की टीम आज तक ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है, क्योंकि ये क्या कहते हैं 555 कोई मैच एक साथ जीत नहीं सकता। जहांगीर खान ने उन्होंने तो खैर इतने सारे जीत गए थे, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के पास रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने लगातार 18 मैच जीते थे क्रिकेट में, तो ये भी एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के पास जो कि आज तक किसी टीम ने भी नहीं किया है, तो ये भी रिकॉर्ड है यार। चलो यार आज की इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, मतलब कि जितनी मेरे दिमाग में सारा मैंने इस पेपर में उतार कर तुम लोग को बताइए, देख रहे सारे रिकॉर्ड भरे में जो भी।
तो बस यार अब मेरी ना दिमाग की हो गई ख़राब हालत, क्योंकि अब बस यार इतनी सारी बोल बोल कर मेरा खलक भी सूख रहा है। तो चलिए व्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं से। इस व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कर देना विद इन्फॉर्मेशन के साथ पाकिस्तान की, तो इस व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कर देना मस्त। और अगर ये वीडियो पसंद आई ना तो यार तुम लोग तो बस यार कर देना, क्योंकि आज इतना सारा गला मैंने सुखा लिया अपना, तो इसलिए यार लाइक सब्सक्राइब मस्त कर देना। तो यार अल्लाह 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 हाफिज़।